Good morning, student. Today we will write letter G in both cases, capital and small. Okay? हम आज letter G, alphabet में letter G लिखना start कर रहे हैं, ये सीखेंगे. जो capital letter में और small letter दोनों में हम सीखेंगे. Okay? चलिए. Capital cursive में G कैसे लिखते हैं बच्चों? यहाँ से first step start होता है, इसको ऊपर लेके जाते हैं और सेकेंड स्टेप में हम इसको बाहर की तरफ से टर्न करके लेके आते हैं और नीचे लाके फिर से उसे थर्ड स्टेप में हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं और एक अंदर की तरफ से टर्न करके बाहर लाके छोड़ते हैं. तो ये बनता है कैपिटल कर्सिव में जी. ओके, जी कौन से किस तरह से लिखा गया है? कैपिटल कर्सिव. ओके, जी फॉर गोट. फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं डॉट्स पर सिखाती हूँ. देखिए बच्चों, ये जो ब्लैक डॉट दिया है फर्स्ट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से पेंसिल टर्न की. ये फर्स्ट स्टेप में हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं रेड लाइन पे. सेकंड स्टेप में हम इसको घुमा के फिर से ब्लू लाइन तक लेके आ रहे हैं और थर्ड स्टेप में हम इसको बिल्कुल नीचे रेड लाइन पे ला रहे हैं और टर्न करके बाहर की तरफ से और ऐसे ला के छोड़ रहे हैं. तो ये बनता है कैपिटल कर्सिव में जी. ओके, कैपिटल कर्सिव में जी. और एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों कि ये जी फॉर गोट जो होता है कैपिटल कर्सिव में, ये फोर लाइन में कम्प्लीट होता है. 1 2 3 4. ठीक है, कितनी लाइन्स में कंप्लीट हो रहा है? फोर लाइन. और कितने स्टेप में हम कंप्लीट कर रहे हैं? 1 2 3. थ्री स्टेप में ही कंप्लीट होगा बच्चों. इसमें आपको हाथ उठाने की एक बार भी जरूरत नहीं है, पेंसिल को आपको हटाना नहीं है, एक ही साथ पेंसिल को चलाना है और इन फोर लाइन्स के अंदर इन्हें इसे राइट करना है, ड्रॉ करना है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से. यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए ब्लू पे, फिर ऊपर ले गए थोड़ा सा, फिर बिल्कुल नीचे लेके आए रेड लाइन पे और इस तरह से टर्न किया. देखिए बच्चों, मैंने पेंसिल एक बार भी नहीं उठाई है. ओके, पेंसिल आपको एक बार भी नहीं हटानी है और इस तरह से कैपिटल कर्सिव में जी लिखना है. इस तरह से फोर लाइन के अंदर हमें ये कंप्लीट करना है, ऊपर रेड लाइन से टच करके और नीचे वाली रेड लाइन पे टच होगा. ओके, फिर से देखिए, ये स्टार्ट किया हमने फर्स्ट स्टेप, ऊपर लेके गए रेड लाइन पे. सेकेंड स्टेप में हमने इसको फिर से घुमा के नीचे लेके आए, ब्लू लाइन तक लाए और यहाँ पे टच करके ऊपर ले गए. और थर्ड स्टेप में हमने इसको नीचे, बिल्कुल नीचे रेड लाइन पे टच किया और इस तरह से मोड़ के टर्न करके बाहर लेके आए. ठीक है, तो ये बनता है कैपिटल कर्सिव में जी. जी फॉर गोट, जी फॉर गोट, जी फॉर गोट. और ध्यान रखना बच्चों कि मैं आपको बार बार मैं कह रही हूँ, आपको कैपिटल कर्सिव और स्मॉल कर्सिव लेटर लिखने आने चाहिए आपको इंग्लिश में, ये बहुत कंपलसरी है, आपकी राइटिंग इसी से बनेगी. ठीक है, तो आपको ये कर्सिव लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है, ये सीखना चाहिए आपको. ठीक है, ध्यान से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार में, ये आपको लिखना आना चाहिए. ओके, अब देखिए विदाउट डॉट्स वाले, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, इस डॉट से नीचे की तरफ थोड़ा लेके ऊपर लेके गई रेड लाइन पे टर्न करके, फिर वापस टर्न करके बाहर लेके आए ब्लू लाइन पे. अब इसको फिर मैं ऊपर लेके गई और नीचे ब्लू रेड लाइन पे लाके इस तरह से टर्न करके छोड़ दी. तो ये बन गया जी, कैपिटल कर्सिव में जी. इस तरह से कैपिटल कर्सिव में जी, जी फॉर गोट एंड जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स भी होता है. ओके, ये पेज इस तरह से कंप्लीट करेंगे हम, विदाउट डॉट्स वाले भी लिखना सीखेंगे. जब आप डॉट्स पे पेंसिल चलाते हैं बच्चों, तो आपको आइडिया हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि हमें पेंसिल किस तरह से चलानी है, ये लेटर किस तरह से लिखना है. ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ कैपिटल कर्सिव में जी. अब बच्चों हम स्मॉल कर्सिव में जी लिखेंगे. स्मॉल कर्सिव में जी किस तरह से लिखते हैं बच्चों, पहले स्टेप समझिए. फर्स्ट हमने एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की और उसे ऊपर ले जाके सेकेंड स्टेप में हमने इसको एक सर्कल बनाया. थर्ड स्टेप में हम इसको बिल्कुल नीचे लेके आए और इसे टर्न करके बाहर की तरफ ला के छोड़ा. ठीक है, ये बच्चों थ्री लाइन में कंप्लीट होता है. 1 2 3, थ्री लाइन में कंप्लीट होगा. ओके, स्मॉल कर्सिव में जी थ्री लाइन में लिखा जाता है और थ्री स्टेप में, 1 2 3 और थ्री स्टेप में कंप्लीट होता है. इसमें भी बच्चों ध्यान रखना कि आपको पेंसिल बिल्कुल नहीं हटानी है. ठीक है, पेंसिल उठानी नहीं है, आपको एक ही साथ पेंसिल चलानी है और एक बार में ही आपको ये लेटर पूरा लिखना है. फाइन,
जी फॉर गर्ल। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से डॉट से स्टार्ट किया, ऊपर ले गए, सेकेंड स्टेप में हमने एक सर्किल बनाया, नीचे लेके आया और थर्ड स्टेप में इसे बाहर ला के छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन गया स्मॉल कर्सिव में जी। जी फॉर गर्ल, जी फॉर ग्रेप्स एंड जी फॉर गोट। जी फॉर गोट, जी फॉर ग्रेप्स एंड जी फॉर गर्ल। इस तरह से देखो बच्चों, मैं पेंसिल बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी एक बार भी, एक ही साथ इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, सर्किल बनाया, नीचे लेके आया और फिर से टर्न करके ऊपर ले गए। आप प्रैक्टिस कीजिए, जब आप इन डॉट्स पे ट्रेस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। जी, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल, ये ब्लू लाइन से लेके नीचे रेड लाइन पर बनता है। ठीक है, इन थ्री लाइन्स में इसे कंप्लीट करना है, इस तरह से। पेंसिल एक साथ चल रही है ऐसे, ठीक है। मैंने पेंसिल एक बार भी नहीं उठाई, पूरा जी एक बार में ही कंप्लीट किया, फाइन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट लेटर है एच, एच फॉर हैंड। कैपिटल कर्सिव में एच कैसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, इस तरह से कर्व किया, सेकेंड स्टेप में हम इसे बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन से नीचे लेके आए और इस तरह से टर्न किया, थर्ड स्टेप में हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी, बिल्कुल सामने से थोड़ी सी दूर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फोर्थ स्टेप में बच्चों हम इसको अंदर की तरफ से टर्न करके इस तरह से बाहर, जैसे ए फॉर एप्पल में बनाते हैं ना कैपिटल ए कर्सिव में, तब हम इस तरह से टर्न करते हैं, इस तरह से बनाना है। तो 1 2 3 4, फोर स्टेप में ये कंप्लीट होता है बच्चों, और थ्री लाइन्स में लिखा जाता है, 1 2 3, थ्री लाइन्स के अंदर इसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने डॉट से, कर्व किया, ऊपर ले गए, सेकेंड स्टेप नीचे ला के छोड़ा, थर्ड स्टेप में एक स्टैंडिंग लाइन, फोर्थ स्टेप में इसको अंदर टर्न किया, एच फॉर हैंड। क्या बन गया, एच फॉर हैंड, कैपिटल कर्सिव का एच, ये देखिए इस तरह से। इसमें बच्चों, इसमें पेंसिल को आप दो बार तीन बार हटा सकते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन में हमने इस तरह से स्टार्ट किया और इस तरह से, ये टू स्टेप हमने एक साथ कंप्लीट किए, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने ये लाइन ड्रॉ की और फोर्थ में हमने इसको ऐसे बनाया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फोर्थ स्टेप में दो बार हमारी पेंसिल ऊपर उठती है। ओके, जैसे एक बार में मैंने इसको लिखा, दूसरी बार में मैंने ये लाइन करके इसे ऊपर ले जाके फिर से इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो हमारी पेंसिल इसमें एक बार उठा के लिखी जाती है। ठीक है, पेंसिल को एक बार उठाना पड़ता है, आपको हटाना पड़ता है और एच बनाना। ठीक है, इस तरह से एच बनता है, कैपिटल कर्सिव में एच, एच फॉर हैंड। एच फॉर हॉर्स भी होता है बच्चों, एच फॉर हॉर्स एंड एच फॉर हैंड। अगर कोई मिस्टेक हो बच्चों तो उसे इरेज करके फिर से लिखना। चलिए अब विदाउट डॉट्स वाले कैसे बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर लेके गई, नीचे ब्लू लाइन पे लाके इस तरह से टर्न किया, फिर इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी, इसे टर्न ऊपर की तरफ लाके इस तरह से बाहर टर्न कर दिया। ये हो गया हमारा कैपिटल कर्सिव एच। एच कैपिटल कर्सिव में एच। एच फॉर हैंड, एच फॉर हॉर्स, फाइन। चलिए नेक्स्ट पेज बच्चों, इसमें स्मॉल कर्सिव में एच आप कैसे लिखेंगे ये बताया है। ठीक है, अब हम स्मॉल कर्सिव में एच लिखना सीखते हैं बच्चों। जैसे देखिए थ्री स्टेप में ही कंप्लीट होता है, फर्स्ट में आपको एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी होती है, ऊपर ले गए, सेकंड में आपको एक स्टैंडिंग, इसको टर्न करके बाहर स्टैंडिंग लाइन करी, थर्ड स्टेप में आपने इस तरह से टर्न करके ये एच कंप्लीट किया। ठीक है, और ये थ्री लाइंस पे कंप्लीट होता है, 1 2 3, स्मॉल कर्सिव में एच, एच फॉर हैट।
चलिए डॉट्स पे ट्रेस करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे लेके गए, फिर से ऊपर लेके आए। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसे भी बिना हाथ हटाए, बिना पेंसिल को उठाए, बार बार में पेंसिल हटाना नहीं है, इसे भी एक ही बार में आपको कंप्लीट करना होता है, एक साथ लिखना होता है, एक ही बार में आपको एच कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए और फिर से इस तरह से, तो ये एक साथ ही कंप्लीट होता है। देखिए मेरा हाथ, पेंसिल देखिए बिल्कुल भी एक बार भी उठ नहीं रही है, एक ही साथ मैं पेंसिल चलाऊंगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया डॉट से, स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, और इसे ले जाके इस तरह से टर्न कर दें। ठीक है, तो ये बन गया स्मॉल कर्सिव में एच। एच फॉर हट, एच फॉर हैन, एंड एच फॉर हॉर्स। इस तरह से बिना पेंसिल को उठाए आप एक ही साथ एच बनाएंगे एक ही बार में। पेंसिल आपकी इस तरह से चलेगी बच्चों। ये इस तरह से फाइन। ये तो आज मैंने आपको ये फोर लेटर लिखने सिखाए हैं, कैपिटल कैपिटल कर्सिव जी, स्मॉल कर्सिव जी, कैपिटल कर्सिव एच और स्मॉल कर्सिव एच। फाइन बच्चों, तो यहाँ तक आप इस वर्कबुक में ये कंप्लीट करना और खूब बार बार लिख के इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।